हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम यूपीपीसीएस प्री, जिसकी एग्ज़ाम की डेट है 28 अक्टूबर, इस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 3 तक के वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर कौन सा है जिसे 8 जनवरी 2018 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन दिया है, पहला है परम, प्रत्युष, पदम और आदित्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रत्युष, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और इसमें कुछ फैक्ट्स भी आप जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है और जिसका नाम है प्रत्युष। और आपको ये भी याद कर लेना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पर है, तो ये है पुणे में। ठीक है, फिलहाल हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैन कप 2018 का पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने, ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर आने से पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन यानी कि गन्ना का उत्पादन कौन करता है, और जो है इसमें इंडिया की रैंक क्या है। पहले तो आपको बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना को कौन प्रोड्यूस करता है, और उस कंट्री का कैपिटल यानी कि राजधानी और भारत का क्या स्थान है। तीन क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद ने किस उत्तर पूर्वी राज्य में एक नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स स्थापित करने की स्वीकृति 4 जनवरी 2018 को प्रदान की है। इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसका सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राजधानी तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट आप लोग को याद रहना चाहिए कि किस स्टेट की क्या कैपिटल है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष 6 जनवरी 2018 को पूरा किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए पहले तो इसका आंसर हो जाता है यूको बैंक, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यूको बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं। यूको बैंक गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक बैंक है, और इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1943 को, और अब तक इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और यूको बैंक के CEO हैं अतुल कुमार गोयल, और इसके चेयरमैन हैं रवि कृष्णन। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद कर लेने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं यूको बैंक के, और ये पब्लिक बैंक है, और इसके हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 7 जनवरी 2018 को भारत आसियान प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। चार ऑप्शन है, तो ये हुआ है सिंगापुर में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंगापुर बहुत ही न्यूज़ में था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग युंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 12 जून को सिंगापुर में ही मिले थे। डेट भी याद कर लीजिएगा 12 जून, और यहीं पर भारत आसियान प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2018 भी हुआ है, तो भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी
हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2018 को किस देश ने गांजे की बिक्री को वैध करने से संबंधित कानून को पारित किया है। चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है कनाडा, ऑप्शन बी हमारा है सही आंसर। नेक्स्ट है, खुले में शौच से मुक्त का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम था। कौन सा दूसरा उत्तर पूर्वी राज्य की घोषणा 1 जनवरी 2018 को की गई है। पहले तो आपको याद कर लेना है कि खुले में शौच मुक्त होने का दर्जा जिसे पहला राज्य प्राप्त किया था, वो जो कि उत्तर पूर्वी राज्य था, वो कौन सा था, सिक्किम। पहला तो याद कर लेना जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा कौन सा ये पूछा गया है आपको, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला था सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रारंभ किया गया लॉजिस्टिक सूचकांक में किस राज्य को लॉजिस्टिक कार्यकुशलता में पहले स्थान पर रखा गया है। चार ऑप्शन है आपके सामने, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में वृक्षों के संरक्षण के लिए लोगों को वृक्षों के साथ बंधुत्व वाले संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये है सिक्किम। ठीक है, अभी डिस्कस भी किया था उत्तर पूर्वी राज्यों में खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य पहला राज्य सिक्किम था, और सिक्किम ने ही आप जो है वृक्षों के साथ बंधुत्व वाले संबंध स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की है, ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जनवरी 2018 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय धर्म या धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है राजगीर, ऑप्शन डी हमारा है सही आंसर। याद रखिएगा ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी देशों ने 1 जनवरी 2018 से मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस व्यवस्था को प्रारंभ कर खाड़ी देशों में एक नए अध्याय को जोड़ा है। इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो ये थी प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ या हराओ, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ इंग्लिश में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन डी हमारा है करेक्ट आंसर। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को, ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, पर्यावरण दिवस से ही रिलेटेड है। 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी, तो ये की थी भारत ने, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। साथ ही आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि थीम क्या थी, थीम थी इसकी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, और मेजबानी भारत ने की है, और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2018 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमान को अकेले उड़ाकर ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट था, बहुत ही न्यूज़ में था, तो ये है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 22 फरवरी 2018 को जारी वार्षिक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप पहले तो ये याद कर लीजिएगा कि भ्रष्टाचार, वार्षिक भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI। ठीक है, तो इसमें भारत को कुछ स्थान पर रखा गया है, इसकी रैंक है 81, टोटल देश थे 180, उनमें से भारत की रैंक आई है 81, ऑप्शन डी है हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट है, दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली बर्लिन स्थित गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
ने वर्ष 2018 में भारत को कितने अंक दिए, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये, तो इसमें भारत को कितने पॉइंट्स मिले हैं, तो ये मिले हैं 40, रैंक है 81, स्कोर है 40, जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है कहाँ पर, ये है बर्लिन में, ठीक है। 3 से 4 फैक्ट्स हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2017-18 की विजय हजारी ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो पहले आप ये जान लीजिए, ये रिलेटेड है क्रिकेट से। और विजय हजारे नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि विजय हजारे बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, उन्हें के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रख दिया गया विजय हजारे, ठीक है। और इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, ये जीता है, आपको बताना है, ये जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। तो कर्नाटक ने किसको हराया, कर्नाटक ने टीम को हराया, वो टीम थी सौराष्ट्र। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में कौन सी टीम रही है सफल, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, उसके बाद कर्नाटक ने 3 बार, इस बार का उसका थर्ड टाइटल था, 3 बार ये जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। और कर्नाटक ने किसको हरा करके जीता है, सौराष्ट्र को, ये भी पूछा जा सकता है, सौराष्ट्र को, ठीक है। और विजय हजारी ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से, और ये नाम पड़ा है बहुत ही फेमस क्रिकेटर जिनका नाम था विजय हजारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विंबलडन कप 2018 महिला एकल किसने जीता, ठीक है। जीतते तो बहुत हैं लोग, बट पहली बार ये किसने जीता है उसका नाम आपको बताना है, तो ये है एंजेलिका कर्बर ने, और ये हराया है इन्होंने किसको, सेरेना विलियम्स को। फाइनल में दो लोग पहुँचे थे, एंजेलिका कर्बर और सेरेना विलियम्स। जीता किसने है, एंजेलिना कर्बर ने। सेरेना विलियम्स कई बार ट्रॉफी जीती है, बट इस बार वो हार गई थी, और उनको हराया है किसने, एंजेलिका कर्बर ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और आप ये भी जान लीजिएगा कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ये सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, और दोनों ही टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 14 जनवरी 2018 को जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को 30वें स्थान पर रखा गया है, इस सूचकांक में कितने देश सम्मिलित हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 100, ऑप्शन डी हमारा है सही आंसर। आपको ये भी याद कर लेना है कि वैश्विक विनिर्माण सूचकांक ये जो है कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भारत की रैंक थी 30 और टोटल देश कितने थे, 100। आप लोगों को तो ये रैंक ज़रूर याद कर लेनी है, पूछ सकते हैं, टोटल ना पूछें शायद ही, बट ये आपको याद कर लेना है कि इसकी रैंक थी 30 और इसका वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 किसने लॉन्च किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये लॉन्च किया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही न्यूज़ में था, पॉल्यूशन के कारण, इन्वायरमेंट के कारण ये न्यूज़ में बहुत ही था, तो आपको याद कर लेना है, भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जाएगी, बहुत ही न्यूज़ में थी ये, तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, निम्न में से कौन पेमेंट बैंक नहीं है, नहीं है ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है, तो बता देते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये भी है, बट वोडाफोन पेमेंट बैंक जैसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में कहां पर होगा, तो ये होगा चीन में, ठीक है।
चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस नंबर 4 के। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाए, हो सकता है इनमें से एक दो क्वेश्चन आ भी जाए। फिलहाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना को कौन उत्पादन करता है, और उसका कैपिटल यानी कि राजधानी, और विश्व में गन्ना उत्पादन करने में भारत का क्या स्थान है। तीन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।